ओम शांति। आज हम एक बहुत सुंदर अद्भुत योग का अभ्यास करने जा रहे हैं और आज की ये योग कमेंट्री संपूर्ण रूप से भय से मुक्त जीवन जीने के लिए और निश्चिंत जीवन जीने के लिए अभ्यास कराने वाली है। इस योग का नाम ही है शमशान योग। नाम से ही सिद्ध है कि इस योग अनुभूति में हम स्वयं को भय से मुक्त करने का अभ्यास करेंगे। सभी जानते हैं ये शरीर प्रकृति ने हमें दिया है यूज करने के लिए और प्रकृति को ही हमें वापस लौटा देना है। इस शरीर को यूज करके इस जीवन की प्रक्रिया ही ये है और जीवन की इस प्रक्रिया में सभी के जीवन में ये आयाम जुड़ते चले जाते हैं कि बचपन युवा और वृद्धावस्था के बाद इस साइकिल में मृत्यु अर्थात देहांत एक नए जीवन की शुरुआत का चरण है। इसलिए हम मृत्यु शब्द ना कह कर के अगर देहांत और जीवन परिवर्तन शब्द का प्रयोग करेंगे तो जीवन में हम सभी भय से मुक्त हो जाएंगे। आइए इस अद्भुत योग अभ्यास को करें जिससे हम निश्चिंत जीवन जीने लगेंगे। हो सके तो लेट जाएं, पीठ धरती पर रख करके और टांगे सीधी कर करके एकदम रिलैक्स पोजीशन में, जिस पोजीशन में देह त्याग के बाद तन को हम रखा हुआ देखते हैं, अपनी दोनों भुजाओं को धरती पर सटा करके एकदम लंबी गहरी सांस लें और हर सांस को महसूस करें कि वो भी वक्त था जब जीवन की पहली सांस हमने ली थी, तब हमने संसार को भी नहीं देखा था और वो भी वक्त होगा जब इस तन को यूज करते हुए इस तन के साथ अपना संबंध पूर्ण करते हुए इस तन में हम अंतिम सांस लेकर इस जीवन को पूरा करके एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। अब महसूस करें मस्तक से ज्योति बिंदु आत्मा इस तन से विदाई ले रही है। इस तन के अंगों को आज तक यूज किया आंखों द्वारा देखते हुए, कानों द्वारा सुनते हुए, इस पूरे शरीर का हमने जीवन भर सहयोग लिया है। इसलिए इस प्रकृति अर्थात पांच तत्वों का धन्यवाद करें। धन्यवाद आपका जो आपने मुझे संसार में संपूर्ण जीवन जीते हुए सहयोग देते हुए सुख का आनंद का अनुभव कराया।
आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब धन्यवाद करें परमेश्वर परमात्मा का कि प्रभु मेरे बाबा आपका कैसे शुक्रिया करूं, जो इस तन के द्वारा आपने मुझसे इतनी सेवाएं कराई। इस तन में रहते हुए आपने मुझे इस तन को स्वस्थ रखने के लिए हमेशा शक्तियां प्रदान की। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब महसूस करें आत्मा मस्तक से बड़े प्यार से ऐसे ही बाहर निकल रही है, जैसे एक पक्षी पेड़ की टहनी से उड़ जाता है। ऐसे ही मैं आत्मा इस तन से विदाई लेकर के आसमान की तरफ उड़ चली, अपने घर की ओर, परम धाम, शांति धाम, मूल वतन की ओर, और पहुंच गई सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में, जहां चारों ओर लाल प्रकाश है, जो मुझ आत्मा का वास्तविक घर है, और वहां मैं असीम शांति का अनुभव कर रही हूं। अब वापस इस अनुभव को करते हुए लौट आए इस धरती पर और पुनः मस्तक में प्रवेश करें और संकल्प लें कि मैं अब इस शरीर में मेहमान हूं, इसको सेवाओं के लिए यूज करने के लिए आई हूं। ये अभ्यास जितनी बार करेंगे, इस संसार से, इस तन से, देह के संबंधियों से सबसे मोह नष्ट हो जाएगा और मन संपूर्ण रूप से शांत और निश्चिंत हो जाएगा। इस विशेष योगाभ्यास को अवश्य करते रहें ताकि आने वाली परिस्थितियों में, संकट के समय में हमें किसी भी बात का भय व चिंता ना हो। ओम शांति।